कि मसाजिद से प्रचार किया गया, औरतों को इस्तेमा के नाम पर बुलाकर दीनी मजलिस के अंदर वोट मांगी गई, और बाकायदा कई मसाजिद के इमाम, मैं एकदम साफ बोल रहा हूं, सब नहीं, कई मसाजिद के इमाम को मैंने ये देखा कि जब 24 तारीख का नतीजा आया, कई मोहसिन जो गुलाल के गुलाल खेल रहे थे हरे कलर का और नाच रहे थे, ये भी सबूत मेरे मोबाइल में मौजूद है। गांव के अंदर जिन्हें तुम क्या मैसेज देना चाह रहे हो, तुम क्या बताना चाह रहे हो शहर को, तुम्हारी लड़ाई किससे थी? अगर मैं तुम्हारे सामने उम्मीदवार था, अगर मैंने तुम्हारा मुकाबला किया, तुम क्या मैसेज देने चाह रहे हो? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझ लो, लेकिन अगर ये शहर को बचाना है, अगर ये निचले दर्जे की सियासत को उखाड़ फेंकना है, अगर इन मक्कारों से, निकम्मों से, ये चालबाजों से जो शहर को अपनी चालबाजी से ठग लिए इन्होंने, अगर इन लोगों का मुकाबला करना है, तो मैं मेरे नौजवान साथियों से ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को आज से, अभी से इनके खिलाफ में लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हर मुकाबले के, हर मोड़ के ऊपर इन लोगों से हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। आप लोग ज्यादा वक्त मत दो, सिर्फ मैं आपसे कहना चाहूंगा, बेदार हो जाओ। आपको क्या समझा इलेक्शन? आप रोड पर रह गए, जुलूस में रह गए, जलसे में रह गए, रोड की हवा में रह गए, कुर्सी लगा के बैठे, और ये निकम्मों ने घर घर जाकर, घर घर जाकर इन्होंने अंधेरे के अंदर मेहनत की और तुमको उजाले में रख दिया कि तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुमको समझा भी नहीं, और इन्होंने, और घर घर जाकर इन्होंने बहुत प्यारी बातें नहीं कही, बहुत इतिहास वाली बातें नहीं की, इन्होंने हमारे शहर के अंदर शहर घुलने का काम किया, और तुम और हम रास्ते के ऊपर इलेक्शन लड़ते रह गए, इसलिए तुम्हारी हमारी हार हुई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सिर्फ को ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग शेख रशीद साहब से, मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर इस इलेक्शन हमारी हार हुई तो आपको अगर गम है, अगर आप चाहते हो कि दोबारा हम लोग इख्तदार तक पहुंचे, अगर आप चाहते हो कि हम गरीबों का काम करें, अगर आप चाहते हो कि हम आप लोगों का काम करें, तो आप लोगों को क्या हो या अभी हम आपका काम करें, आपको अगर मोहब्बत है तो आप लोग को बेदार रहना पड़ेगा आज से, कि कौन तुम्हारे बीच में मुनाफिक है, कौन तुमको भड़काने आ रहा, कौन तुम्हारी वोट को डिवाइड करने आ रहा, कौन तुम्हारे को उनकी चालबाजी से फंसा रहा है, कौन तुम्हारे अपने लोगों से तुमको दूर कर रहा है, कौन आपकी वोटों को बांट रहा है, कौन आपको धोखा देने आया है, इन ऐसे लोगों को आपको पहचानना पड़ेगा। इसके लिए आज से बेदार रहो। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि कोई मैं मस्जिद का इमाम नहीं हूं, कोई मदरसे का मैं शेखुल हदीस नहीं हूं कि मेरे बोलने के ऊपर हजार बच्चे जलसे में बैठ जाएंगे मदरसे के, मैं ऐसा नहीं हूं। टूटा फूटा तालीम है मेरे पास, लेकिन अगर इनका मुकाबला करना है तो आपको कुर्बानी देना होगी, और ये कुर्बानी देना होगी कि अगर जलसा पार्टी का है, अगर हमारे ऐलान हो गया, तो एक घंटे का वक्त निकालकर अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ कर आकर वो जलसे में आओ। अगर मीटिंग का ऐलान हुआ तो अपनी जिम्मेदारी समझ के आओ। अगर कोई धरना आंदोलन करने की बात आई तो अपना वक्त निकाल के उसमें आओ। बस इतनी कुर्बानी आप दो, इंशाल्लाह इन चालबाजों से, इन धोखेबाजों से इंशाल्लाह मुकाबला हम लोग सब मिलकर करेंगे। दोस्तों, आप
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको डरने की जरूरत नहीं, कोई अगर दादागिरी करता, गुंडागर्दी करता, आपको दबाने की कोशिश करता है तो आप लोग उससे ना उलझते हुए आप सीधा सीधा जिम्मेदारान को बोलिए, मुझको बोलिए, जरूर इनकी पुलिस में कंप्लेन करना पड़ेगी। और हम पुलिस डिपार्टमेंट को, मैंने कल भी कहा, मैं रोजाना कह रहा हूँ कि पुलिस ये ना समझे, पुलिस डिपार्टमेंट ये ना समझे कि हम लोग हारे हैं तो हमारे साथ कोई नहीं है। मैं पुलिस को ये कहना चाहता हूँ कि 78,000 लोग आज भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, और जरूरत पड़ने पर, वक्त पड़ा अगर हम लोगों को, तो हम इनको रास्ते पर लाकर हम लोग ये बताएंगे शहर को कि अब ये शहर के अंदर कानून का राज चलेगा। ये जो मजहब के लिबादे के अंदर जो गुंडागर्दी इनके पास है, ये अब हम लोगों को इनको बताना पड़ेगा, इनके नकाब नोचना पड़ेगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग को डरने की, मायूस होने की जरूरत नहीं, अल्लाह का फैसला है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, अल्लाह का फैसला कबूल करना है और कोई मायूस होने की जरूरत हम और आप लोगों को नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको कोई एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं, सुपर मार्केट के ऑफिस के पास, वहां पर जो ऑफिस अपनी है वहां पर आपको सब लेटर मिलेंगे, सब कार्ड मिलेंगे, आपके मसाइल हल हो गए, हॉस्पिटल के मसाइल हल हो गए, राशन के हो गए, जो भी मसाइल हम लोग हल करने के लिए पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आप लोगों के साथ हम लोग खड़े रह गए। आप लोगों का मैं आखिर में, आप लोगों ने मेहनत की इलेक्शन में, बहुत मेहनत की, जद्दोजहद की, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कानूनी लड़ाई लड़ता हूँ और जब जब मेरे पास ऐसा दुनिया कोल है, हर इंसान को मिलना तो जरूर है, मुलाकात कहीं ना कहीं तो होगी, तो उस वक्त मैं जरूर सियासी बदला दूंगा, ये मेरा तय है। लेकिन आप लोग अगर ये चाहते हैं कि अब वापस इक्तदार में हमें आना है, हमारी कोई भी जमीन को वापस लाना है, कि शहर के गरीबों के मसाइल हल करना है, कि शहर के हमारे गरीब भाइयों के बच्चों की तालीम का मसला हल करना है, अगर हमारे छोटे छोटे मसाइल हल करना है, हॉस्पिटल का मसला हल करना है, तो आप लोगों को बेदार रहकर एक प्लेटफार्म के ऊपर मेरे साथ खड़े रहना पड़ेगा। मैं सभी 78,000 और जो लोग भटक गए थे, जो लोगों ने हमारे खिलाफ वोट किया, जो लोग जज्बाती सियासत में आ गए, जो लोगों को गुमराह किया गया, मैं उसको भी, उन लोगों को भी दावत देता हूं कि आप आइए, आप गुमराह हो गए, अच्छी बातों में आ गए, आप आइए वापस, मैं आपका काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमें मिले है या नहीं, अल्लाह का बहुत एहसान है, सिर्फ असेंबली हाउस के अंदर नहीं बैठ सकता, लेकिन इतनी 5 साल में इतनी इज्जत बनाई, इतना क्रेडिट बनाया हूँ वहां पर, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी बने, चाहे उनके मंत्री हो, मैं हर काम मालेगांव शहर की आवाम का, आप लोगों का मैं कर सकता हूँ, इतनी काबिलियत और इतनी सलाहियत आज भी मौजूद है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, बिल्कुल सुपरमार्केट के ऑफिस के ऊपर आपको लेटर लग रहा है लेकर जाओ, दवा खाने का लग रहा है लेकर जाओ, आपका राशन कार्ड के मसले हम हल करेंगे, बेवा फंड है, बुजुर्गों का वजीफा है, हम हल करेंगे, छोटे मोटे मसाइल आप लोगों को जो भी है, हमारी ऑफिस खुली हुई है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप लोग आइए, काम लेकर जाइए, हम आपका काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर आपसे इतनी अपील करूंगा कि आप लोगों को बेदार रहने, वक्त आएगा आपको बदला ही लेना है, हमारे साथ धोखा हुआ आपको बदला लेना है, वक्त अभी धीरे 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 कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आ जाएगा, वक्त आएगा आपके पास, वक्त रहेगा पूरे शहर के आवाम के पास। बहरहाल हम लोगों को ये शहर को संभालना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, शहर का विकास, शहर का डेवलपमेंट में हमारी अपनी जिम्मेदारी है, और हम आप लोग को मायूस होने की जरूरत नहीं, हम इलेक्शन हारे हैं, हिम्मत नहीं, और ये मेरा नारा फिक्स है, चाहे मुझे कोई भी समझाने के लिए आए, मेरा बिल्कुल साफ पॉलिसी मैंने बनाया हूँ, अब जीना भी गरीबों के लिए और मरना भी गरीबों के लिए, मेरे लिए मेहनत की, जद्दोजहद की, वोट दी, वोट दिलाई, रात और दिन आप लोगों ने संघर्ष किया,
मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जरूर मैं आप लोगों के साथ में रहूंगा। अब तो मैं फ्री हो गया, इन लोगों ने मुझे फ्री कर दिया, अब गाड़ी भी अलग होंगी, ड्राफ्टिंग भी मैं अलग करते रहूंगा, तो सब चलते रहेगा वो लड़ाई। लेकिन इतना जरूर है कि मैं जो 5 साल शहर को आगे ले जाना चाहता था, शहर की आवाम को नहीं पसंद आया, मैं आपको वक्त नहीं दे पाया। अब जरूर मैं हर 8 दिन 15 दिन में आप लोगों के इलाके के अंदर आकर आप लोगों के लिए टाइम दूंगा, आपके मसाज सुनूंगा, ये वादा करता हूँ। और आखिर में आप लोगों से बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हूँ, मेरी बात करते हैं।